नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। कनाडा की तरफ से दो छोटी छोटी अपडेट्स आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक अपडेट है और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो लोग थोड़ी सी गलत समझ रहे हैं इस अपडेट के साथ साथ, ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें कनाडा VFS से जो अपडेट आई है कि सबसे पहले बात करते हैं तो जो कोरियर सर्विस है वो कनाडा की तरफ से पहले से ही चल रही थी, टू वे कोरियर सर्विस, जिनकी पासपोर्ट और वीजा की अप्रूवल आ जाती तो वो घर से ही पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अभी उसी के साथ साथ अगर कोरियर सर्विस में लाइक रिसेंटली काफी लोगों का मेरे को कमेंट आता है, सर कोरियर के लिए अप्लाई किया है VFS की वेबसाइट पे, 8-8, 10-10 दिन हमें हमसे कलेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी सिटी में हो या कहीं पे क्राउडेड जैसे सिटी हो जाती है तो सर्विस प्रॉब्लम आती है, तो इसमें क्या किया है VFS ने, कनाडा VFS के साथ, आप सैटरडे को कोरियर करवाने की जगह पे सैटरडे को खुद VFS में जाके सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, सिर्फ सैटरडे को, इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ सैटरडे को कोरियर सर्विस की जगह आप खुद वहां पे जाकर अपना पासपोर्ट और अप्रूवल लेटर सबमिट करवा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, ये सर्विस सिर्फ आपको सैटरडे को ही मिलेगी और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक की है। जिससे क्या रहेगा, सैटरडे को जितने पासपोर्ट्स कलेक्ट होंगे VFS सेंटर कनाडा बेसी को सैटरडे या संडे तक आपके पासपोर्ट्स सारे कलेक्ट करके भेज देगी और विद इन ए वीक वो पासपोर्ट प्रिंट होके आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप वहां पे फीस पे करते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पे फीस भी रहेगी। अगर आप वहां पे फीस पे करते हो कोरियर के लिए तो आपको पासपोर्ट घर पे डिलीवर हो जाएगा। अदरवाइज जिस VFS में आप सबमिट करवाओगे उसी VFS से आपको विद इन 5 to 10 days कॉल आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आप आकर कलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ एक छोटी सी अपडेट ये दे दूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि कोरियर सर्विस शुरू हो चुकी है, शायद ऑफलाइन फाइल भी शुरू हो गई हो। ये चीज अपने माइंड से निकाल दो, अभी तक ऑफलाइन फाइल्स के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया है। कोरियर सर्विस इसलिए शुरू कोरियर सर्विस तो पहले से थी, कलेक्शन और सबमिशन के लिए सर्विस इसलिए शुरू की है क्योंकि अभी कोविड भी कम है और इससे क्या रहता है, कई लोगों को अपडेट आ जाती है या फिर कुछ ऐसे लोग जो कुछ विलेजेस में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं जहाँ पे कोरियर कलेक्ट करना थोड़ा सा दूर रहता है या फिर टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग है वो स्लो रह जाती है। इसीलिए आपकी जो सबमिशन है पासपोर्ट सबमिट करने के लिए सैटरडे का टाइम दे दिया है, उस दिन में आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो, आपका प्रिंटिंग का काम भी हो जाएगा और स्पीड भी और लोगों की भी जो सबमिशन है वो भी हो जाएगी और सारा काम थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। लेकिन ऑफलाइन फाइल्स के लिए ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। ये चीज अभी जो खुद से फाइल अप्लाई करते हैं, ठीक है जैसे मेरी वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारे और कंसल्टेंट हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, जो खुद से फाइल अप्लाई कर रहे हैं वो गलती से भी अपनी ऑफलाइन फाइल रेडी करके VFS मत चले जाना, वहां पे अभी ऑफलाइन फाइल्स के लिए कोई भी सबमिशन की अपडेट नहीं आई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही छोटी सी अपडेट थी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए अपडेट के साथ।